हरिओम, मेरा नाम अंजलि वीरा गोस्वामी, हैदराबाद उपासना केंद्र से हूँ। आज का जो अनुभव मैं बोलने वाली हूँ वो है शायद नाम मात्र में, जो बापू ने कुछ साल पहले प्रवचन में बताया था कि राम का नाम हवा में लिखने से और हवा में इस तरह से लिखना है करके ऐसे बताया था कुछ साल बापू ने, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी। कोरोना काल में जब गुरु पूर्णिमा करनी थी तब हमने घर में ही गुरु पूर्णिमा, हम सिर्फ मेरा परिवार ही था, और उस टाइम पे अचानक से हमारे एक गुरु भक्त है जो ऋषिकेश देसाई, उनको गुरु मतलब अकेलापन लग रहा था काफी, तो उन्होंने फोन किया कि आज गुरु पूर्णिमा है ताई, मैं आ सकता हूँ क्या? मैंने ठीक है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगर आ सकते हो तो आइए करके। तो हम मेरे घर में सिर्फ हम चार लोग थे और वो एक पांच, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हमने गुरु पूर्णिमा तो कर ली। उसके बाद में उन्होंने हवा में ऐसे राम लिखा था, तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये क्या किया है, हमें ये पता नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि बापू ने प्रवचन में बताया था कि ऐसे करने से हम राम को चरण स्पर्श करते हैं। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात, और अक्सर मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ कि ऐसे करना है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं हवा में वाता मतलब कोरोना काल में मैं घर में ऐसे राम ही लिखती थी कि भाई अभी कोरोना चल रहा है, मैं सैनिटाइजर तो हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो बापू का नाम तो मैंने रियली मैंने सैनिटाइजर के जैसे ही इस्तेमाल किया है। क्षमा चाहती हूँ ये वर्ड ऐसे यूज कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे मन का भाव है कि मैंने उसका कैसे इस्तेमाल किया। उसके बाद में हम तो सुरक्षित रहे, लेकिन अभी हम मई महीने में कोरोना के बाद में चार धाम जाने का हमने तय किया था। मेरी पूरी इंटायर फैमिली हैदराबाद की, हम लोग 34 लोग गए थे केदारनाथ चार धाम के लिए। तो केदारनाथ गए, केदारनाथ जाने के लिए हमने हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग किए थे। दोपहर में हम लोग ऊपर पहुंचे, लेकिन रिटर्न आते वक्त दिक्कत हो गई कि वहां पे बादल छा गए और हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई, तो अब नीचे कैसे जाना है हमें। तो मैं मेरी पूरी फैमिली तो नीचे चली गई थी, क्योंकि स्लॉट वाइज हमारा हेलीकॉप्टर बुकिंग था, आखिरी का हमारा था, मैं मेरे पति मनोज सिंह और मेरा देवर अनुज, हम तीनों ही आखिरी में ऊपर रह गए थे, बाकी पूरी फैमिली हमारी नीचे थी। ऊपर 5:30 बज गए थे, डिक्लेयर हो गया था कि अभी कोई हेलीकॉप्टर आएगी नहीं, ऊपर ही रहना है, और हमारे पास कोई सामान नहीं था कि कैसे ये करना है। अभी हमको वहां पे रूम ढूंढने से लेकर सब कुछ करना था, कैसे अरेंज करेंगे, और मेरे पति को डायबिटीज है तो उनको अकेले छोड़ के जा नहीं सकती करके मेरा हेलीकॉप्टर मैंने कैंसिल करवा के मेरे पति के साथ में रुक गई थी। अब हेलीकॉप्टर तो आने वाली थी नहीं, और मेरा देवर ठंड के मारे में बहुत ऐसा मतलब शिवरिंग हो रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मुझे बोल रहा था भाभी कुछ तो करो, आप नीचे जाएंगे, तो मेरा हाँ अनुज आप हमारे लिए मतलब आप हमारे साथ रहे तो मेरा फर्ज बनता है आपकी रक्षा करना, आप कैसे करूँ, ठहरो एक काम करते हैं, अभी अपने पास कोई इलाज नहीं है नीचे जाने का, लेकिन मेरे बापू ने बताया था कि हवा में राम लिखे तो बहुत कुछ पॉसिबल है, अब मैं बापू पे सौंप देती हूँ हम कैसे नीचे जाएंगे। और मैंने हवा में ऐसे राम लिख दिया जहाँ घने बादल थे कि अब हम कैसे करेंगे करके, और मैंने नाम लिख दिया। तो अनुज ने पूछा ये क्या किया, मैंने मेरे बापू ने बताया था मैंने वही किया है। उसके बाद में 5 मिनट के बाद वो बादल छटने लगे, आसमान पूरा क्लियर हो गया, और नीचे से एक हेलीकॉप्टर उड़ती हुई ऊपर आ गई, जो हम पवनहंस हेलीकॉप्टर से गए थे, और वो एक ही हेलीकॉप्टर ऊपर आई और हम लोगों को ली और नीचे चले गए हम। उसके बाद में वापस हेलीकॉप्टर शाम में कोई उड़ी नहीं, ऊपर के जो भक्त थे केदारनाथ में वो ऊपर ही रह गए, लेकिन बापू ने मुझे मेरे परिवार को सही सलामत एकदम नीचे लाके छोड़ दिया था। अंबज्ञ नाथ संवित श्री।